स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर फाइव है चैप्टर नंबर फिफ्टीन का सेकेंड ईयर बायोलॉजी का इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स में बनने वाली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं वाटर कैन बी एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एनिमल्स तो अगर एनिमल्स के बॉडी फ्लूअर्स हाइपोटोनिक हों तो फिर वाटर विल बी एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट

एंड यूरिक एसिड दीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड्स एमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म में एमाइनो ग्रुप एन एच टू ग्रुप जो है इट इज़ रिलीज फ्राम द एमाइनो एसड्स दिस प्रोसेस इज नोन एज डी एमिनेशन तो इट मीन्स एमोनिया यूरिया यूरिक एसड बनने की वजह एमाइनो एसिड्स का कैटाबोलिज्म स्पेशली डी एमिनेशन है मीन

इसका रिमूवल जो है वो बहुत जरूरी है इट कैन नॉट बी रिटेन इन द बॉडी इस फिगर में आप देखें प्रोटीन्स एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियक एसिड्स नाइट्रोजिनस बेसिस ओवरऑल वी से इट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। डिएमिनेशन आप देख सकते हैं एमाइनो ग्रुप रिलीज हुआ है डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फिश में देखें इसमें अमोनिया हो सकती है एलिफेंट इनमें यूरिया हो सकती है और दूसरी तरफ़ बर्ड्स जो हैं इनमें यूरिक एसिड हो सकता है दीज एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स फिश इज़ एक्वेटिक दूसरी तरफ मैमल्स जो हैं एलिफेंट इज़ मैमल मैमल्स हैं एम्फीबियंस हैं ये एनिमल्स जो हैं दे हैव मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर इनमें यूरिया है बर्ड्स और इंसेक्ट्स दे फेस द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स तो एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यूरिया और बर्ड्स और इंसेक्ट्स विच फेस द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो है यूरिक एसिड अगर इन नाइट्रोजिनस वेस्ट का लेवल इंक्रीज कर जाए बॉडी में बढ़ जाए देन दिस मे लीड टू कोमा एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द पेशेंट दूसरी तरफ लो क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन जो हैं नाइट्रोजन कम अमाउंट में इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक करिएटन इिन और ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड क्रिएटन इज अ मसल प्रोटीन और क्रिएटन जो है लेटर ऑन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू वेस्टफुल कंपाउंड क्रिएटन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत ही कम मकदार में एमाइनो एसड्स में मौजूद है प्योरिन बेसिस में मौजूद है पायरेमेडीन बेसिस में मौजूद है प्योरिन और पायरिमेडीन बेसिस का मेटाबोलिज्म जो है इसके नतीजे में हाइपोजेंथीन बनती है जेंथीन बनती है यूरिक एसिड बनता है एलेंटोइन बनता है यूरिया बनता है और अमोनिया भी प्रोड्यूस होती है तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सब कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं दिस शोज़ द फॉर्मेशन ऑफ करिएटानिन करिएटन के ऊपर एक्ट करता है नाम है उसका करिएटन काइनेस दिस प्रोड्यूस फॉसफो क्रिएटन और फिर दोनों जो हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं क्रिएटन इन में ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है इट इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी फ्लूएड्स दैन इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड और ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्राम द कंपाउंडस लाइक ट्राई मिथाइ ट्राई अल्काइल अमोनियम कंपाउंड्स। ट्राई अल्काइल अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं इनसे ट्राई मिथाइल अमीन बनता है विच इज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू टू ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइपोजेंथीन के ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है जेंथीन ऑक्सीडेज तो जेंथीन बन गई और जैनथीन जो है इसके ऊपर फिर जैथीन ऑक्सीडेज एक्ट करता है तो xanthine is converted into uric acid this is the formula of alan twine